अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी एमन मौसर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब मैं सो के उठी और सो के उठते आज मैंने सूरह जुम्मा लगाई है। वैसे मैं सूरह वाकया, सूरह मरियम, सूरह वाकया या मंजिल ही लगाती हूँ। अभी मासी आ गई है, ये सफाई कर रही है और मुझे नमाज पढ़नी है, नाश्ता बनाना है। सो आइए मैं अभी काम करके आपसे मिलती हूँ। करते हैं महाद और ये महाद से हाय। अभी आप गंदे महाद और सुफान से मिले, अभी रेडी होकर इन दोनों से फिर मिलते हैं जुम्मे की नमाज के लिए। महाद ऐसे तंग कर, ये झाड़ू पे टाइम तंग कर देते मुझे मासी के आने के टाइम। मैंने इनको बाथरूम में गुजर दिया नहाने के लिए, इसको ऊपर पानी आ रहा है। हो चुका है मेरा सैंडविच है, जो ब्राउन ब्रेड का और अंडा है, वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था स्टोरी पे। सैंडविच बेटा पतले होने का है, ये महाद देख रहे हो कितना तंग करता है। ये सब मौसिन का सैंडविच है, मौसिन के दो पराठे हैं, एक सफान का एक मौसिन का है, और ये बाहर खानी है चाय है, और ये महाद का खाना है। महाद का खाना ये रहा, महाद की सूजी है। पहले हम खाते हैं और जो जो महाद हमारे में से खाता है उसको खिला देती हूँ, और फिर उसके बाद जब सामान उठा लेती हूँ फिर महाद को सुकून से उसका खाना खिला। ये कार्टून्स की बिगाड़ते हुए मौसम निकल नाश्ता है। मेरा बेटा है, ये मेरा दूसरा बेटा है जी। बेटे व्हाट यू वांट, ये पता कैसे खाते हैं महाद। कुकू को देख रहा, कुकू को देख रहा, आप खा लो, आप खा लो। क्लैपिंग, देखा ऐसे खिलाते हैं बच्चों को, पागल बना के। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आज डेली रूटीन शेयर करने का आप लोगों से सोचा, और बारिश हो गई, मौसम दुकान पे जा ही रहता है रेडी होकर जुम्मे को, और मेरा बेटा जो है वो सो चुका है, मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा नासाज है। नहीं अभी नहीं जा रहे है, फाइनली 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 सुकून। हाँ यार हाय, कितनी धुआंधार बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। बट आई एम नॉट वेल गाइस, बिल्कुल तो ठीक नहीं है, इतनी तेज बारिश हो रही है। चले नहीं चलते नहाने, नाइट ड्रेस चेंज करके आ गई हूँ, जा रहे छत पे नहाने, और बारिश बहुत तेज हो रही है। फाइनली बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है। आज मैंने डेली रूटीन व्लॉग बना रही थी, और इतनी तेज बारिश हो रही है, और गाइस मैं काम पे नहीं गया था, अपने फिर भी बारिश की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही, बारिश बहुत तेज हो गई, तबियत भी ठीक नहीं है, नज़ला हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी नहाना है। नालागन का पूरा रोड बढ़िया इतनी सी बारिश में। गाइस हमारी गली का यह हाल हो चुका है इतनी सी बारिश में, देखें गाइस सब अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं सब। और हमारे घर की लोकेशन बस ये एक दरख्त ही प्यारा है। Years later. नहा के नीचे, और आज मौसम की छुट्टी हो गई है, मैंने सोचा था मैं आपको अकेले की डेली रूटीन बताऊंगी अपनी। खैर और मज़े का दिन हो गया, आप लोगों को पता है कि मेरे मियाँ कितने दीवाने मेरे हाथ के पकोड़े खाने के, तो ये जा रहे हैं पकोड़ों का सामान लेने, पालक वगैरह आते हैं तो हम पकौड़े बनाते नीचे भी भेजेंगे, उसे सबसे नीचे भी भेजेंगे। और रात को मैंने खाने का मेन्यू सोचा था बकरे की कढ़ाई, अब लेट्स सी बनाते नहीं बनाते, स्टे कनेक्टेड। और महाद की फीडर बनाई है मैंने, पिंक वाली फीडर जो है वो सफान की है। सफान आगे हो जाओ बेटा अपनी जगह पर ही, महाद ये लेटे हुए, अभी दोनों थोड़ी देर लेटेंगे और मौसम जाए हुए सामान लेने भेजें। काट लूँ हाँ, मेरे मियाँ जी जो है वो बेसन घोल लें। गाइस ये हम खा रहे हैं पकौड़े, बनाए जी, वो भी जो है ना वो नाश्ता ही किया हुआ है अभी तक, और नाश्ते के बाद जो अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, मैं मे भी एक पकौड़ा खाऊंगी बस, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं इतना नहीं खाऊंगी, बस एक पकौड़ा खाऊंगी, और बस शाम में छोलों की चाट बना के खा लेती हूँ, या मैं क्यों नहीं खा ली थोड़ी सी खाई तो, वरना नहीं फ्रूट्स खाती हूँ पूरा दिन, फ्रूट्स खा लेती हूँ जब मुझे क्रेविंग्स होती है भूख की। मैंने अपनी वजह से थोड़ा सा कम ऑयल में पकौड़े बना लूँगी, इसे मैं अपने ऑयल के पकौड़े नहीं खाऊँगी, फर्स्ट टाइम मैं अपने ही बना लूँगी। वहाँ आ गया है पकौड़े खाने के लिए, गाइस
लबक जी डाले लबक कब है गाइस मसाला चटनी बना रहे पकौड़ों में नमक नहीं उसमें पापड़ में नमक नहीं डाला आपने years later. मैं जो है वो ना विक्स पकौड़े बना के हाथ को सुला दिया था ना मगरिब की नमाज पढ़ी मैंने फिर उसके बाद मैंने स्टीम ली स्टीम लेने के बाद मुझे खुद को इतनी नींद आ गई नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे मेरे अभी आपको लिए तो पौने नौ है और 10 पता नहीं कितने का टाइम हो रहा है एक घंटे बाद गैस चल जाएगी तो दिल्ली से आके मुझे बीफ की कढ़ाई बनानी है और ये तो वाकई उनसे बात कर रहे हैं ये लोग वो लोग पाकिस्तान टूर पर गए हैं तो अभी उनसे बात कर रहे हैं सो आई मैं किचन में जा रही हूँ आप गले से ना कुछ भी नहीं किया जा रहा पानी गर्म करके घर आ रहे कर रही हूँ बहुत गला और नाक बहुत ख़राब हो रही है नाक बंद तो गले में बहुत तकलीफ़ हो रही है फ्रूट टाइम खैर सब नहीं खाऊंगी एक दो पीस आम के खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत हद तक भूख लग रही है और एक ही खाऊंगी बस बाकी मौसम खाएंगे इतफान ये रहा और ये वहाँ जो है वो हद से ज़्यादा मुझसे मांग रहे कि मुझे दे दो मैं फेंकूँगा बॉल बनाऊँगा जी ये लीजिए क्या करोगे आप इसका घर का हाल बहुत बुरा हो रहा है महात का मैंने दलिया बना के रखा था महात को दलिया खिलाते हैं और फिर मौसम से गर्म करवा रही हूँ मुझे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा है ना दलिया ये मैंने चौका दलिया ये और दाल के इसमें येलो वाली दाल और चौका दलिया बनता है ये महात ने पूरे कमरे का हाल कुछ ये करा मैं बेडशीट सही करके इसको फिर खिलाऊँगी ये मोबाइल नहीं लेता इसको मैंने गलत बस ये कुकू मैनर मैं इसको LCD में लगा देती हूँ तो देखते हुए खा लेता है खाना हल्का सा लेमन महात के दलिए में और ये ना मेरा बेटा आप इस तरह से इसके यूँ हाथ पकड़ें या कोकोमा लगाएं और खाना खिला दें आज मैंने इनको ब्रेकफास्ट में दिया था बस यही सूजी और लंच में इनको मैं दे रही हूँ दलिया हाय कर दो हाय गाइस लंच में इनको दलिया दे रही हूँ और डिनर में आज इनको मिलेगा सरिलेक और उसके अलावा ये कि मैं दिन में अब इनको दो फीडर्स देती हूँ या तीन ज़्यादा से ज़्यादा ये दलिया मैं खा रही हूँ थोड़ा सा मात्र बचाया 3-4 स्पून और अब हम रात के खाने में आलू के पराठे खाएंगे क्योंकि कुछ कढ़ाई नहीं बनाई कढ़ाई कल बना लूँगी उसमें लेमन डाल लेंगे और ये मैं थोड़ा सा दलिया खा लूँगी दलिया से हमारा वेट नहीं बढ़ेगा रोटी चावल जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करेगा मैं रोटी चावल बहुत अवॉइड करने लग गई हूँ आधी चपाती खा लेती हूँ बहुत मुश्किल से चावल ज़्यादा क्रेविंग होती है तो खा भी लेती हूँ फिर दूसरे टाइम का कम खा लेती हूँ अब समझे मैंने नाश्ता किया था फिर एक पकौड़ा खाया था उसके बाद मैंने फ्रूट्स खा लिए थे और अब मैं दलिया खा रही हूँ ताकि मैं रात को खाना खाने बैठूँ तो मेरा पेट फुल हो आज जो है वो मैंने पूरा दिन का व्लॉग बहुत मुश्किल से कंटिन्यू रखा है क्योंकि ऐसा अच्छा था मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरे अंदर अजीब तबीयत हो रही है अभी भी मुझे खाना हम लोग मम्मी ने बोला यहीं खा लेना तभी ठीक नहीं है तुम्हारी खाना तो मम्मी ने बनाए हैं आलू के पराठे तो सफान को भी मैं छोड़ने जाना था तो मैं बस मेरा पेट तो भर गया मैंने खाना खा लिया दलिया जो था वो मेरा डिनर ही था और फ्रूट्स जो थे बस मैंने समझे रोटी तक खा ही नहीं और आप लोगों ने देखा होगा सुबह से रोटी को बस अवॉइड करो और ज़्यादा कुछ बहुत मज़े का सारा है तो ब्राउन ब्रेड से खा लो मैं यही करती हूँ कल मैं परसों मैंने कीमा बनाया था तो मैंने ब्राउन ब्रेड से खा लिया था तो ये महाज मोहसिन और सफान जो है वो खेल रहे गन चेक करा गाइस बस महाज सफान दूध पियो लेट के सफान दूध पी रहे हैं महात को देखें आप उसको करें वो भी लेटेगा देखना अभी वो इतना तेज़ है तो स्टे कनेक्टेड में मैं लेट रही हूँ तुमसे मेरे दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी कर देगा ये नज़ला है ना पूरा दिमाग सुन करा हुआ इसने मेरा
कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मैं हो गई हूँ अब आया पहले मैंने जा रहे अम्मी की तरफ महात और सब मोहसिन भी रेडी हैं, महात भी सफान को छोड़ने जा रहे हैं इनके घर। मोबाइल रख देती हूँ घर ही ना, सो मैं मोबाइल रख देती हूँ और महा सफान को छोड़ के आते हैं। मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है और मैं खाना वहीं खा लूँगी, आलू के पराठे। भाभी को मोबाइल से पिक्चर बनानी होगी, वीडियो का क्लिप तो बना लूँगी। सभी घर आके मिलते हैं, मोबाइल चार्ज पे लगा रही हूँ। नेक्स्ट डे बीफ कढ़ाई हो रही है, मैं यहाँ पे सेक रही हूँ क्या बोलते हैं धनिया और सौंफ और काली मिर्च थोड़ी सी हो जाएगी ना, तो आप रायते में भी डाल सकते हो और तवा खोल दिए भून के कढ़ाई में डालूँगी घर में तो। और यार नेक्स्ट डे हो चुका है, वो दिन नहीं है, दूसरा दिन हो गया है जिस दिन मैं कढ़ाई बना रही हूँ, तो दूसरा दिन हो चुका है। ओह माय गॉड, कढ़ाई लो प्याज है, मैंने अपने लिए खीरा काटा है, सलाद है। मजेदार ये।